हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हेयर कलर करने वाली हूँ यहाँ पे। सो मैंने कुछ दिन आगे हेयर कट भी किया था, तो ये वाला हेयर कलर मैंने आई थिंक 1 ईयर बैक किया था। तो अभी मैं दूसरा कलर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो शॉप था वहाँ पे मुझे ये वाला कलर मिला स्ट्रिक का पैकेट में, और इसका एक बॉक्स वाला भी मिल जाता है, लेकिन ये मुझे 30 रुपीज़ पर पैकेट मिला था। और ये मैंने 3 पैकेट लिया है। तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ हेयर पे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुछ बाहर वाला जो भी इस टाइप का पैकेट में मिलता है वो वाला। और इसके अंदर है कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या, इसे ओपन करके देखेंगे क्या क्या है। और मेरा जो नंबर है वो 0.6 है। सो देखेंगे किस तरीके का कलर आएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेड कलर है और मुझे थोड़ा रेड कलर ही करना था। इस कलर में थोड़ा मैं बोर हो चुकी हूँ इसीलिए। सो अभी फ़िलहाल मेरा ये वाला कुछ कलर है, ये वाला रीग्रोथिंग है। अभी देखेंगे कैसा कलर आएगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके का पैकेट है ये वाला। मैंने 3 पैकेट लिया था मेरे हेयर के लिए, और मेरा हस्बैंड भी अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने बरगंडी शेड लिया है कुछ ये वाला, और ये वाला स्टिक का है। ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और इसमें सो गाइस, यहाँ पे मेरा हस्बैंड मेरा हेयर कलर करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से अप्लाई करना होगा, इसलिए खुद से नहीं होगा। तो इसके अंदर आपको ओपन करना कैसे जाए, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का ये 3 पैकेट मिल जाता है। और फर्स्ट है ये कलर क्रीम, एंड सेकेंड आपको मिल जाता है ये डेवलपर, इसमें आपको आपस में मिक्स करना पड़ेगा। एंड ये वाला है क्यों ओ, और ये आपको कंडीशनर मिल जाता है। तो यहाँ पे कलर डाल चुका है अभी ये, फिर और एक पैकेट डालेंगे। सो गाइस, इस पैकेट के अंदर आपको कोई भी ग्लव्स नहीं मिलेगा, तो आपको बाहर से बाइंग करना पड़ेगा। ये वाला कलर एकदम रेड पिगमेंटेड, एकदम ज़्यादा है पिगमेंटेड कलर है। और नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपर डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा कलर रेडी है, अब अप्लाई करेंगे। और हाँ गाइस, ये अमोनिया कलर है, और इसमें आपको एनरिच विथ वलनट ऑयल एंड आर्गन ऑयल इसमें मिक्स है, जो कि आपको हेयर को अच्छी तरह से नरिश करेगा। अभी इसे अप्लाई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सेक्शनिंग आपको 4 पार्टीशन में डिवाइड करना है, एंड देन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले लेके आपको कलर एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मैंने बैक साइड से स्टार्ट किया है। बैक साइड से स्टार्ट करने से एक लेवल में आ जाता है, अगर आप फ्रंट से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा लेट होने के चांसेस से आप कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो सकता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बैक में ही रिफ़र करूँगी गाइस। और गाइस, मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़ के अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा स्कैल्प थोड़ा सेंसिटिव है, तो इसीलिए कुछ बर्निंग इचिंग ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़ के किया है। अगर आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप भी 1 इंच छोड़ के कीजिए। और हाँ गाइस, एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा इस तरीके का कलर अप्लाई करने से पहले। और हाँ, अगर आप लोग को कलर अच्छा आना है, इवेंटली आना है, तो किसी और को लगाने के लिए बोलिए, दीदी भाई बहन जिसको भी। यहाँ पर मेरा हस्बैंड मेरे अप्लाई कर रहे है हेयर कलर, और उसके बाद मैं उनको अप्लाई कर दूंगी।
गाइस मेरा अप्लाई हो गया है, अभी मुझे 30 मिनट्स तक वेट करना है और अभी मैं मेरे हस्बैंड को लगा दूँगी। रही हूँ ये दूसरा वाला बर्गंडी शेड, एंड इसमें आपको एक पेपर और डेवलपर कलर मिल जाएगा, पहले कलर डालना है इसमें से। तो गाइस हम दोनों का एप्लीकेशन हो गया है, दोनों ने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और मेरे हस्बैंड का हैंड देख सकते हो मेरे लिए एकदम लाल लाल कर दिया, खूनी दरिंदे। सो इसमें 30 मिनट्स तक रखना है इसको, 30 मिनट्स के लिए हम लोग रखेंगे और अभी इवनिंग हो चुका है, 6 o'clock होने वाला है और अभी हमने अप्लाई किया है। तो ये वाला जब मैं वॉश करूँगी, ये टुमारो ही मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि इसका कलर कैसा आया है, क्योंकि अभी मैं शैम्पू करने के बाद में यहाँ पे एक कंडीशनर का सेट है कुछ इस तरीके का, 3 है मेरे पास, 3 पैकेट का। 30 मिनट्स के बाद में लुक वॉर्म वाटर से वॉश करना है, जितना भी कलर है वो अच्छी तरह से रिमूव करना है। सो गाइस ये रहा मेरा हेयर कलर और ये मैंने 3 वॉश कर लिया है इस हेयर कलर को और कुछ इतना मेरा हेयर कलर हुआ, मतलब इतना कलर आया और काफ़ी अच्छी तरह से कलर आया और डैमेज भी नहीं हुआ ज़्यादा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये हेयर कलर नेक्स्ट वॉश का नहीं है, 3 वॉश के बाद में कुछ इतना कलर मिला है गाइस। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है और ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ है। और हाँ गाइस आपको अच्छा से केयर भी करना है इस हेयर कलर को। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ भी पूछना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।